जय भोलेनाथ, हम भोलेनाथ कॉस्ट्यूम के लिए विग बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने काली रस्सी ली है 2 मीटर, और इसको हम नॉट खोलते जाएंगे। तो नॉट खोलने के बाद हमें इस तरह से 3 लड़ियाँ मिल जाएंगी। इन लड़ियों को हम खोल के अगर देखें तो ये पूरे बालों की तरह नज़र आएंगे। तो इससे हम बनाने वाले हैं महादेव जी के लिए विग। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 2 फिट लंबी लेंथ ले ली है बराबर सारी लड़ियों की, और इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ली है एक वूलन टोपी जो कि सबके पास अवेलेबल होगी, और इसके ऊपर हम चिपकाने वाले हैं इन बालों को। आप फेविक्विक, फेविकॉल या स्टिच भी कर सकते हैं, और इस तरह से बालों को अंदर की तरफ अटैच करते हुए यानी कि रस्सी को लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने पहले फेविकॉल से बालों को अंदर की तरफ टोपी के चिपका लिया है। उसके बाद सुई धागे से, यहाँ पे सुई में ऊन यूज करेंगे हम, और इसको अच्छे से इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। आप जितना ज़्यादा स्टिच करेंगे उतना अच्छा विग आपका बनेगा। यहाँ पर हमने अंदर की तरफ से एक बार चिपका लिया है और ऊपर की ओर से स्टिच कर लिया है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे स्टिच कर दे रही हूँ ताकि जो ये रेशे निकल रहे हैं रस्सी से वो निकले ना। अब यहाँ पे हम टोपी के सबसे ऊपर पोर्शन में महादेव जी की जो जटाएं ऐसे बंधी रहती है वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे टोपी का थोड़ा सा पोर्शन मैंने अंदर कर दिया है क्योंकि ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है मेरी बेटी के लिए। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने हेड के अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ऊपर की जो जटाएं हैं उसको बनाने के लिए या तो आप डोनट यूज़ कर सकते हैं। अगर डोनट ना हो तो अंदर से ऊन या कुछ भी थिक कपड़े भर सकते हैं ताकि वो मोटा हो जाए और हम उसके ऊपर अच्छे से जटाएं बना पाएं। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर जो लड़ी हमने निकाल के रखी थी उनको लपेटेंगे। इस तरह से हम अच्छे से प्रॉपरली लपेटते जाएंगे और इसको स्टिच भी करते जाएंगे। एक बार पूरा लपेट के देख लेंगे, उसके बाद हम इसको स्टिच कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, और अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि महादेव जी की जय विग बना के बताइए, तो मैंने ये ट्राई किया। अब यहाँ पे जटाओं को मैं सिल रही हूँ, तो इस तरह से हमें सिलते जाना है, और जितनी ज़्यादा हम सिलेंगे चारों तरफ से सिल लेंगे तो उतना अच्छा परफेक्ट होगा, ये हिलेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा। अब इधर सामने थोड़ा सा जो गैप है जटा और बालों के बीच में, वहाँ पे भी हम इन रस्सी वाले बालों को अटैच करके देंगे सुई धागे से, अच्छे से कहीं भी गैप ना रहे, परफेक्टली सिल देंगे। अब फ्रंट का हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब पीछे जो पोर्शन है, अब यहाँ पे हम जो हमारे पास जटाएं बची हुई है लड़े रस्सी की वो अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीटर रस्सी ली थी इसलिए मुझे थोड़ी सी रस्सी कम पड़ी। आप और ज़्यादा घना करना चाहते हैं तो 4 मीटर रस्सी यूज़ करें तो परफेक्टली बहुत घने बाल बन जाएंगे। जिसके बाल छोटे भी हैं उनका भी अच्छे से हो जाएगा। मेरी बेटी के बाल ऑलरेडी बड़े हैं तो इतना ज़्यादा घने नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा।
तो इस तरह से एक एक करके सारी लड़ी मैं यहाँ पे अटैच कर दे रही हूँ। और इसको अच्छे से प्रॉपरली स्टिच करना है, स्टिच इसमें बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप सिलेंगे उतनी अच्छे आपकी विग बनेगी। अब यहाँ पे आगे के कुछ जो जटाएँ ये बाल निकल रहे हैं इसको भी पीछे ले जाके मैं अटैच कर दे रही हूँ, ताकि हमने जो पीछे बाल जटाएँ लड़े लगाई हैं रस्सी की वो दिखे नहीं कि कैसे सिली हैं, पूरे बालों से ढक जाएंगी, कवर हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने दूसरे साइड से भी फ्रंट के बाल जो है पीछे की तरफ लेके आई हूँ और उसे सिल दिया है। इस तरह से हमारी जो विग है कंप्लीट हो गई है। ये एक कोशिश थी जो मैंने की, आपको कैसी लगी, विग कैसी बनी है, आप इसे और भी अच्छी बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कई बार कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं क्योंकि मेरे वीडियो में किड्स कंटेंट होता है इसलिए, तो आप कम्युनिटी पे भी कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों तरफ पे एक एक डोरी भी अटैच कर दी ताकि विक को हम बांध सकें ताकि गिरे ना। और किस तरह से विक को लगाना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून, हर हर महादेव।